Sportsyari, presented by Paddy Match. Click the Paddy Match link in the description. पहले तो ये बताइए कल मैच हो रहा है ना, आज तो बारिश हुई नहीं, कल तो नहीं, कल तो सब क्लियर रहेगा ना, बिकॉज बारिश से ही खतरा है सबसे ज्यादा। सुशांत भाई, आज जो प्रेडिक्शन थी ना, मैंने फॉरकास्टर जो कोलंबो के हैं उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने आज की प्रेडिक्शन बताई थी कि बारिश ज्यादा होगी। अगर चाहे 10 को भी बारिश है, मगर आज की जो प्रेडिक्शन थी वो ज्यादा की थी कि ज्यादा बारिश होगी, मुख्तलिफ स्पेल्स में होंगे, 4 स्पेल उन्होंने बताए, एक भी स्पेल में बारिश नहीं हुई। खासकर मैच के दौरान जब सेकंड इनिंग शुरू होनी थी तब बारिश की उन्होंने बताया कि बड़ी हैवी बारिश होगी। अगर चाहे क्लाउड्स आए, मैं उस वक्त ग्राउंड में ही था, मगर बारिश नहीं बरसी। और अब जो कल की है यानी इंडिया पाकिस्तान 10 सितंबर की जो प्रेडिक्शन है वो आज की निस्बत कम की है, लाइक अच्छा। कम बारिश होगी। अगर मॉर्निंग के अंदर है 70-80% की बारिश होगी और तेज बारिश होगी, मगर फिर 3 बजे जब मैच शुरू होगा लोकल टाइम के मुताबिक, और उसके बाद जब पहली इनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद शाम 7 बजे और शाम 8 बजे दो मुख्तलिफ स्पेल बताए हैं उन्होंने, 10-15 मिनट के, और बिल्कुल लाइट वो रेन होगी, यानी हैवी या थंडरस्टॉर्म नहीं होगा, और उसके बाद कोई रेन नहीं है। ये मैं आपको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के फोरकास्टर की इंटरव्यू जो किया मैंने उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली कल 50-50 ओवर की गेम हो जाएगी ना? मुझे I'm 100% sure के 50 ही ओवर्स की गेम हो पाएगी, क्योंकि जो बारिश बताई गई है, जो प्रेडिक्शन है ना, वो कम की हो सकती, ज्यादा की नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने 70% बताया और 100% हो चुकी हो। आपको याद होगा मैं और आप कहते थे हम मेलबर्न के अंदर भी, जी जी जी, जब 90% बारिश की प्रेडिक्शन थी तो बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई थी, बिल्कुल ही नहीं हुई थी। इंडिया पाकिस्तान जो दोस्त फैन देख रहे हैं उनके लिए ये है कि वेदर वाले खुद कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे होते हैं और ये हर घंटे बाद चेंज होता है, ठीक है ना। मॉर्निंग में जब हमारा मेलबर्न में मैच था तो मॉर्निंग में एकदम हुआ कि कोई बारिश नहीं है जी और सब ठीक है, और वही हुआ, कोई बारिश नहीं हुई थी। आज बारिश की प्रेडिक्शन थी, आज यहाँ बारिश नहीं हुई। मेरी लोकल जर्नलिस्ट श्रीलंकन से बात हुई थी, वो कह रहे यार हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ऊपर आप ना जाया करें, यहाँ पर इतनी जो हमारी प्रेडिक्शन है ठीक नहीं होती। मैंने कहा मुझे मालूम है कि प्रेडिक्शन ऑफकोर्स प्रेडिक्शन ही है, वो श्योर नहीं है। और दूसरी एक और बात सुशांत, मैं जो पहले दिन से सोच रहा था, लोग शोर मचा रहे थे कि ये क्या कर दिया, कोलंबो में मैच कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे जेन में एक ही सवाल, देखिए हम जर्नलिस्ट हैं, मेरे जेन में एक ही सवाल आ रहा था कि हो सकता है पाकिस्तान टीम मान जाए, इंडिया और श्रीलंका कोई भी मान जाए, राइट होल्डर कैसे मानेगा अगर उसको ये शोर हो कि यार ये तो बारिश में सारा मैच धुल जाएगा, मेरी कमाई मारी जाएगी, जो स्पॉन्सर है जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं वो कैसे चुप बैठ सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो आम लोगों को समझना चाहिए कि राइट होल्डर्स क्यों चुप करके बैठेंगे, ये बताएं मुझे। उनको कोई लेना देना नहीं है भाई, पाकिस्तान या इंडिया को चक्कर नहीं है, उनको है अपने सामान बेचने से। अगर उनका सामान नहीं बिक रहा तो वो इतने जो महंगे उन्होंने स्पॉन्सर पकड़े, जो एड चलाने, वो किस पे चलाएंगे? तो इस वजह से कि उन्होंने प्रेडिक्शन देख ली थी, उन्होंने देख ली थी कि बारिश इतनी नहीं है, और पूरी एक उनके साथ उनकी मीटिंग भी हुई है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा है कि बारिश की स्पेल है, हल्का सा है, मगर इतना नहीं है कि पूरे का पूरा मैच भूल जाए। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर उन्होंने एक रिजर्व डे रख लिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि इंडिया को शायद थोड़ा सा फटीग हो जाए, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे फिर उनका शायद मैच है श्रीलंका का मैच श्रीलंका के साथ। चलिए सनावला, ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है यार कि कल 50-50 ओवर की गेम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि भाई अब ब्रॉडकास्टर तो सबसे पहले चिल्लाते कि यार पहले वाली गेम भी आधी करवा दी तुमने, ये वाली गेम भी नहीं होगी, बाकी भी 4 मैच है यहाँ पे नहीं होंगे, तो होगा क्या, और मेन मैच तो इंडिया पाकिस्तान ही है। बिकॉज ये भी ज्यादती है ऐसे कि एक ही मैच के लिए रिजर्व डे रख लिया है और बाकी सारे बोर्ड भी चुप हैं कि जी कर चलो होने दो, कोई माल आ रहा है सबको, जैसे आपने बोला पैसा तो मिलना है, पैसा तो यहीं से बनना है। खैर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बड़े फेयर एनालिसिस भी करते हैं, बड़ा मजा भी आया था आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में कल, कादर की अलग बात थी, बाकी जर्नलिस्ट की अलग बात होती है, आपका अलग फ्लेवर है, यू नो पाकिस्तान में भी अलग अलग जर्नलिस्ट है, बट बिकॉज आप इतनी क्लोजली देखते हैं और फेयर बात करते हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि जी मैच होने से पहले हम तो जीत चुके हैं, 266 वाला भी जी उनको 100% यकीन है कि हम ही जीत जाते हैं, उसमें भी कोई उनको डाउट नहीं है। कल के मैच को आप कैसे देखते हैं, पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी एडवांटेज है कि इंडिया को तोड़ा के रख देगी पाकिस्तान? सुशांत भाई, मैं लगभग 15 बरस से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहा हूं और मैं स्पोर्ट भी कर रहा हूं, तो कहने का मतलब ये है कि थड़े में और स्ट्रीट में बैठे बंदा जो बात करे और जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बात करे उसमें कोई फर्क होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के उसके उलट बात करे, मगर उनके लहजे में, उसकी बात में, अल्फाजों में फर्क होना, ऐसा नहीं होता कि 267 रनों से चेस कर लेना 40 ओवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने कल रिजवान की आपने टॉक सुनी है? बिल्कुल। उन्होंने बोला कि ये 50-50 था, हमारे लिए मुश्किल टारगेट हो सकता था, हमारे लिए चैलेंज था, मगर हम अपने भरोसे पे कह रहे हैं कि हम उसको चेज भी कर सकते थे, मगर ये आप नहीं कह सकते कि हम कर सकते हैं, हम कर लेते या ना कर लेते, दोनों सूरतों में जाहिर है एक क्रिकेटर को ऐसी ही बात करनी चाहिए।
तो जो दोस्त जो दोस्त ये समझ रहे हैं कि बहुत इजी था वो भी गलत है, और जो दोस्त ये समझ रहे हैं कि इंडिया जीत जाता वो भी गलत है। मुझे लगता है कि वो 50-50 था। हाँ, एक स्टेज के ऊपर जब इंडिया के 4 बैटर चले जाते हैं और उसके बाद इंडिया उस स्टेज पे आ जाए कि मैच 50-50 हो जाए, तो इसका वो भी एक तरह से इंडिया की जीत है। मगर मुझे लगता है कि वो बारिश ने काम खराब जरूर कर दिया, और दोनों के लिए मुश्किल था, इंडिया को सेव करना भी और पाकिस्तान को चेस करना भी, क्योंकि पाकिस्तान के अगर गुलामी बल्लेबाज में से कुछ जल्दी आउट हो जाता, जो कि फखर इतने अच्छी फॉर्म में नहीं है, अगरचे वो पूरे भरोसेमंद बैटर है, और मैं ये समझता हूँ वो 10 बार भी नाकाम हो तब भी उनको खिलाना चाहिए क्योंकि वो मैच विनर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आधा ओपनर उड़ जाता है और नीचे बाबर पेपर हम बैंक करते हैं, खुदा ना खास्ता वो भी जल्दी हो जाता है, लाइक 2 विकेट जल्दी गिर जाती है, तो हमारा मिडल ऑर्डर तो हमेशा ही लड़खड़ाता है, और चेज में कोई भी टीम हो वो लड़खड़ाएगी, तो आसान नहीं होता। अभी भी मैं गेम मैं कह रहा हूँ कोलंबो में 267 करके देखें, कुछ चेज करके दिखाए, आसानी से नहीं होगा। नहीं, सही बात है। आपने जो एक चेंज करा, अब इंटरेस्टिंग है, बिकॉज स्पोर्ट्स सारी का भी टैग ऊपर लगा देना आदित्य। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अब आपने चेंज करा है, फहीम अशरफ आ गया है और नवाज़ को आपने ड्रॉप कर दिया, नवाज़ तो मेरा मैच विनर है, तो इमाद वसीम को तो पहले आपने नहीं लिया और नवाज़ को भी जिसको रखा ड्रॉप कर दिया। स्पिनर्स हालांकि इधर जो पहली इनिंग थी, अभी तो ये मैं मैच नहीं देख पा रहा क्योंकि लाइव ही कर रहे हैं तब से, लेकिन अभी सईद अजमल भाई से भी बात हो रही थी, उन्होंने बोला भाई वहाँ पे स्पिनर इतने अच्छे काम कर नहीं रहे, तो हमने नवाज को हटा दिया और फहीम अशरफ को लिया है। ये वाला चेंज जो है, एक तरीके से ये एक एडमिशन भी है कि जो पाकिस्तान इंडिया वाली गेम में 66/4 के बाद 266 तक पहुंच गया, श्रीलंका वाली गेम में जो 47/4 के बाद फिर 100 रन की पार्टनरशिप हो गई नसीम शाहीन हारिस, इसके बाद पाकिस्तान फंस रहा है 20 ओवर करवाने के लिए, शादाब को इतनी विकेट्स मिल नहीं रही है, और तभी यह फहीम अशरफ को लेके आए बिकॉज नवाज को भी उस दिन बड़ी मार पड़ गई। देखिए, पहली बात यह है कि मुझे पाकिस्तान टीम के किसी भी डिसीजन पे नीयत का जो है वो नहीं है कोई भी शक। जाहिर है हर टीम हर कप्तान टॉस भी जीतने को जाता है, तो मैच भी ऑफ कोर्स वो, और खासकर इंडिया के खिलाफ कोई भी गलत फैसला जानबूझ के तो नहीं करेगा, पर मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि फहीम अशरफ का फैसला शायद शायद एक मिथ है पाकिस्तान टीम की, कि जो जीत रहे होते हैं उस कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करते हैं व्हाट एवर द कंडीशन इज। मतलब आप पहले लाहौर में खेल के आ रहे हैं, आप प्रेमदासा में खेलेंगे, आपके पास 2 रीजन है, एक ये कि हम जीता कॉम्बिनेशन को छेड़े, और दूसरी रीजन आपके पास ये है कि इंडिया के खिलाफ स्पिनर्स क्यों डालें। ये बात ठीक है कि इंडिया के खिलाफ स्पिनर क्यों डालना, वो तो अपने अंधे को आंखें देने के बराबर है कि इंडिया के सामने स्पिनर डाल दें, और आपके पास ऑलरेडी 3 स्पिनर्स हैं, अगर आप ऑलराउंडर की तरफ जाएं, इफ्तखार हैं, सलमान आगा हैं, शादाब हैं, बच्चे वो कुछ टाइप के स्पिनर नहीं जो इंडियन बैटर्स को मतलब सपोर्ट सिस्टम है वो तो। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वसीम जूनियर मुझे लगता है कि अगर वो होते तो एक बड़ी थ्रेट थी इंडिया के लिए, क्योंकि उनका पेस बहुत अच्छा है, और फहीम अशरफ को लेने की वजह यह है कि वो बैटिंग एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, बट मैं ज्यादा तौर पर यह समझता हूँ कि वसीम जूनियर भी बुरे बैटर नहीं थे। हाँ, सनल वो तो अच्छा खासा बैटिंग करता है वसीम जूनियर, वो कोई बुरा जो जितनी ये कर लेगा फहीम अशरफ उतनी उन्होंने कर लेनी थी बैटिंग। नहीं, मुझे लगता है कि फहीम के पास शायद थोड़ा सा एज हो बैटिंग का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लेकिन जब अगर बात फहीम तक पहुंची ना, तो फिर साढ़े पंजाबी से कहावत है, फिर सुलह ही कर लो। अगर सातवें वाले नंबर ने जिताना है ना मैच, इसका हाँ। मतलब मैच हाथ से जा चुका है ना, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। अच्छा, और ये भी बड़ा बहुत बात हो रही है कि जी आपके वहीं से आ रही है कि जी इंडिया का तो बॉलिंग लाइनअप देखिए बर्बाद है, नेपाल से 230 खा लिए, ये तो बच्चे हैं बेसिकली, बुमराह, सिराज, और ये कुलदीप, और ये रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, तो मतलब इनके तो बस की नहीं है, हमारे तो बैटर देखिए नंबर वन है। ये आपको नहीं लगता थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है? और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है जो वाकई में अभी टेस्ट हुई नहीं हाल फिलहाल में, अफगानिस्तान खेला आपने जरूर, फिर आपने नेपाल खेला है, और अब आपने बांग्लादेश खेला जहां छोटा टोटल था, तो उस पिच के ऊपर जो 266 वाली गेम थी वहां पर जैसे रिजवान ने भी बोला है कि अच्छा चैलेंज होता, और उन्होंने भी इंडियन बॉलर्स के लिए बोला कि भाई लेवल के बॉलर हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान को लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा आगे, इंडिया एटलीस्ट इंडिया के पास 6 प्रॉपर ऑप्शन हैं जो पाकिस्तान के पास अभी नहीं नजर आ रहे। हमारे पास हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, राइट, एंड शार्दुल ठाकुर भी बॉलर, प्राइमरीली बॉलर ही है, तो कम से कम इंडिया के पास 6 बॉलर पूरी बॉलिंग ऑप्शन है। सुशांत भाई, मैं देखें जो नेपाल के साथ मैच हुआ ना, उसमें आपके लिए वरीड साइड ये था कि आपके जो अटैक कर रहे थे बॉलर, उनके ऊपर नेपाली बैटर्स ने अटैक किया, जो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए थोड़ा कंसर्न होना चाहिए, अगरचे बुमराह नहीं थे, मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगरचे बुमराह नहीं थे, और शुरू में कैच बड़े ड्रॉप हो गए दोनों ने मारा, शुरू में हाथ हाथ के 4 कैच ड्रॉप कर दिए इन लोगों ने, 20 बॉल्स में 3 बार कैच ड्रॉप हो गए, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज देख रहा था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं मैच में भी था, आपके कुछ दोस्त भी थे इंडिया के,
तो वो जिस कॉन्फिडेंस का खेल रहे थे ना, और इजीली खेल रहे थे। आपके हाँ पास ठीक है कैच ड्रॉप हो तो फिर मतलब कोई होता नहीं है, उस तरह से आप काउंट नहीं कर सकते, बट फिर भी वो बड़ा खुल के खेले। सही लेकिन इन बात, सब बातों के बावजूद, जो पाकिस्तान के कुछ दोस्त देख रहे हैं, मैं तो बताऊं पाकिस्तान की बॉलिंग इंडिया से बहुत तगड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बॉलिंग को अगर आप दो स्पेल में तकसीम करें ना, एक टॉप की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग और एक स्पिन बॉलिंग, उसमें स्पिन बॉलिंग में इंडिया का पलड़ा भारी है। खासकर मिडल में आकर इंडिया के जो कुलदीप यादव आते हैं ना, जब वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो पाकिस्तान को शताब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी उनको मैचअप करने के लिए। कुलदीप यादव मुझे लगता है पूरे मैच में डिफरेंस अगर कोई डाल सकता है तो वो कुलदीप यादव है, क्योंकि मिडल में आके बॉल करेंगे वो मैच उस वक्त बॉल करेंगे तो मैच को इधर उधर करना पड़ेगा। तो कुलदीप यादव बहुत, आप देख लीजिएगा मैच में, कुलदीप यादव जो है वो एक बड़ा कंसर्न हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना मैन पाकिस्तान थोड़ा सा फर्क है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि लगते हैं हमारे पास शहीन नहीं है, हम लेफ्ट हैंड की आप टू डाउन के साथ तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर बॉलर नहीं है जिससे आप कर सकते हो। मुझे याद है 2015 में हमारे पास तीन फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म पेसर थे, तो धोनी ने क्या किया था, उन्होंने आपके कश्मीरी बॉलर में नाम भूल गया, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन स्पेशल उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बुला रखा था कि यार लेफ्ट आर्म हमारे पास है नहीं तो हम ट्रेनिंग के लिए खब्बा बॉलर रखें, तो धोनी धोनी ने ऐसा किया था। हमारे पास चाइना मैन बॉलर नहीं है जो इस पे नेट की ट्रेनिंग कर सके। कुलदीप यादव बड़े मंझे हुए स्पिनर है, वो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए थोड़े थ्रेटनिंग हो सकते हैं। मगर ऑन द होल बॉलिंग की तरफ जाए, ऑफकोर्स पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, मगर ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की बॉलिंग बच्चों वाली है। एग्जैक्टली ये वैसा ही है कि बैटिंग में इंडिया टीम बहुत तगड़ी है, मगर ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के बच्चे हैं। पाकिस्तान के पूरा मैच डालेंगे, पहले 10 में देखें तो आपको 3 पाकिस्तानी बैटर मिलेंगे आईसीसी रैंकिंग में। तो बिल्कुल इस है, तरह ऐसे ही है। से ये बैटिंग की अगर बात करें, आपके ऊपर से हैं जी इमामुल हक, फकर जमान, हालांकि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लग रही फकर जमान, बट माय फेवरेट प्लेयर, जैसे मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया में बताया था बिग मैच विनर है फकर जमान, तो ऑलवेज डेंजरस। उसके बाद इमामुल हक हैं, काफ़ी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, बाबर आजम है, उसके बाद रिजवान, इफ्तिकार, आगा सलमान एंड देन शादाब, ये साथ के साथ ही जाएंगे, फिर फहीम अशरफ वगैरह शुरू हो जाते हैं, जो रिमेन्स टू बी सीन कैसी बैटिंग करते हैं। मगर मैंने बहुत लोगों से ये पूछा, जब अगर ऊपर से विकेट पाकिस्तान की जाती है, इंडिया को तो देख लिया कि 66 पर 4 हुए, 266 पहुंच गए, ऊपर से विकेट अगर पाकिस्तान की जाती है, स्पेशली अगर बाबर आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अफगानिस्तान वाली सीरीज में भी देखा था बाबर आउट 200 पे सिमट गए, 300 वाली गेम में भी 170 पे बाबर जैसे ही आउट हुए लाइन लग गई जी विकेट्स की, क्या लगता है आपको बैटिंग को कैसे देखते हैं, स्पेशली मिडिल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तानी टीम, कि अगर अर्ली विकेट्स चले गए तो किस तरीके से संभाल सकते हैं? देखिए पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ मैच के ऊपर हमारे ऊपर वालों को बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान प्रेशर गेम में खेल रहा होगा और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस बन चुके हैं, जितना प्रेशर आ चुका हुआ इस मैच को लेके, और खासकर ऐसी जब बातें आई हैं कि इंडिया भाग रहा है या पाकिस्तान भाग रहा है बारिश की वजह से, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ऑफकोर्स इंडिया के ऊपर भी होगा। मगर अगर पाकिस्तान के ऊपर वाले बैटर्स, नंबर 3 तक बैटर्स अगर क्रैप्स करते हैं खुदा ना खासकर, तो एक प्रेशर है ऑफकोर्स, क्योंकि तीनों हमारे टॉप के बैटर हैं, अगर वहां से कोई क्रैप्स होता है तो नीचे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरह ईशान किशन और पांड्या खेले हैं, खासकर पांड्या इस तरह खेले, मैंने लाइव देखा उन्होंने शहीन को जो एक पुल का चौका मारा था, आप अगर मुझसे पूछे पूरे मैच का बेहतरीन शॉट वो वाला था, इतना कमाल बैलेंस के साथ उन्होंने शॉट खेला था और शहीन को खेला था जिन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग की थी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने खेला, एक तो कट शॉट भी बड़े अच्छे खेले उन्होंने हारिस श्रॉफ को, कहने का मतलब आपका मिडिल ऑर्डर तगड़ा है। मगर आप एक चीज देखिएगा, हमारे जो शादाब है ना वो बड़े कॉन्फिडेंट, मुझे पाकिस्तान टीम में कॉन्फिडेंट भी शादाब रिजवान बड़े कॉन्फिडेंट रखते हैं। और एक चीज और, हम बाबर और रिजवान को काउंट करते हैं कि हमारे वर्ल्ड क्लास हैं और फखर को भी करते हैं, आपको मालूम है मेरी नजर में पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा स्पिनर वो खेलता है वो इमाम है। तो इस तरह no के doubt. बड़े ये ना बैक फुट पे जाते हम नजरों में, जी हम नजरों में कुछ किसी और को रखते हैं। जैसे आप इंडिया तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान के अटैक को कैसे खेलना है, और पाकिस्तान ये तैयारी कर रहा है कि हमने मिडल को कैसे संभालना है, अभी उलट भी हो सकता है कि इंडिया अटैक को खेलने मिडल में फंस जाए तो, या पाकिस्तान इस तरह से उलट कर दे, तो ये मैच है, न्यू मैच न्यू डे और नई चीज होगी। ये दोनों वर्ल्ड क्लास टीमें हैं, दोनों आपस में 50-50, मैं तो किसी को फेवरेट नहीं मान रहा, 50-50 के साथ मैदान करेंगे, जो ऊपर से मोमेंटम बना गया वो फिर तगड़ी टीम है तो वो नीचे नहीं उतरने देगी। जैसे उस दिन पाकिस्तान ने मोमेंटम बनाया मगर इंडिया ने अपनी तरफ शिफ्ट किया, तो वो शिफ्ट वाला एलिमेंट पाकिस्तान की वीकनेस थी, वो नहीं होने देने चाहिए था, अगर ना होने दिया जाता तो ऑफकोर्स वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले रोहित और शुभमन आते हैं, 4 ओवर खेलते हैं, सही सेट भी होने की कोशिश करते हैं, फिर बारिश आ जाती है, बारिश के बाद रिदम टूटता है, शाहीन विकेट ले लेते हैं, रोहित की भी, विराट की भी, शुभमन भी आउट, हारिस आउट करते हैं, फिर श्रेयस भी आउट, और उसके बाद मोमेंटम लेते हैं, जैसे आपने बोला हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, बट एंड में जाके पाकिस्तान वापस मोमेंटम ले लेता है।
जो लग रहा था कि 300 रन बन जाएंगे वो 266 रह जाता है और इंडिया 50 ओवर भी नहीं खेल पाती। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, उस दिन पाकिस्तान की बैटिंग नहीं हुई। मैं आपसे फिर ये भी पूछूंगा, रोहित शर्मा को अब आपने काफी टाइम एक एक करके पूछते हैं सारे बैटर पे, इंडिया के बैटर पे, और क्योंकि बिल्कुल साफ सीधी बात करते हैं सनाउल्लाह हमेशा एज एन एनालिस्ट, कोई ज्यादा जज्बाती नहीं होते। रोहित शर्मा को आपने काफी टाइम ऑब्जर्व करा, राइट, एशिया कप में भी फेल हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट, T20 फॉर्मेट था, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप भी फेल है, यहां पे पहला मैच, इधर भी देखो जैसे मैंने बोला चलो बारिश आ गई व्हाटएवर, बट फिर जिस तरीके से बोल्ड हुए शाहीन से, पर्टिकुलरली रोहित शर्मा बिकॉज बहुत बड़े प्लेयर हैं ओडीआई के और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, कप्तान है हमारे और आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उनका फॉर्म जो है ना दैट इज क्रूशियल फॉर इंडिया। आपको कैसा लगता है रोहित शर्मा किस तरीके से बाउंस बैक कर पाएंगे, किस तरीके से हो पाएगा, व्हाट यू थिंक अबाउट रोहित शर्मा? देखिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो बहुत वेटेज देते हैं रोहित शर्मा को, मैं बीइंग जर्नलिस्ट बहुत वेटेज देता हूँ। एक छोटा सा आप कह रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म है, मुझे जो छोटा सा कंसर्न लग रहा है कि इतनी लंबी क्रिकेट है, अब शायद वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो शायद रिफ्लेक्सेस का, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे नहीं लग रहे आपको? एग्जैक्टली मुझे ये लग रहा है कि शायद इसमें हो, वरना रोहित शर्मा के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि इतना पेस को खेलना है, इतना स्पिन को वो कैसे खेलते हैं। मुझे याद है जब मोहम्मद आमिर पीक पे खेलते थे ना, मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट को मजाक से बोल दिया, मैंने कहा मोहम्मद आमिर के पहले 3 ओवर को खेल लेगा ना तो फिर टिक जाएगा, फिर मोहम्मद आमिर को संभालने में कोई मुश्किल नहीं है। उसी जर्नलिस्ट ने मजाक से रोहित शर्मा को बोल दिया कि आमिर के पहले 2 ओवर बड़े घूमते हैं या बॉल, तो वो बस देख के खेला, ऐसे जैसे मतलब फैन के तौर पर बोलते हैं ना। रोहित शर्मा ने यूं देखा उसकी तरफ, मतलब इसलिए देखा कि यार मनु पता है मुझे पता है सही बात। तो रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली यही कहा यार हमें पता है उन्होंने क्या करना है और हमें हमारे पास एक्सपीरियंस और नेट में ट्रेनिंग करने के लिए ऐसे बॉलर नहीं है, लेकिन हम एक्सपीरियंस रखते हैं, हमें पता है कैसे खेलना है। और अगेन शहीन को भी पता है कि रोहित जैसे को आउट कैसे करना है, खासकर शहीन जो पहले ही आपके बड़े इस्लामी बैटर्स को पवेलियन भेज चुका हुआ है और आसानी से भेज चुका हुआ है, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज शहीन के पास है अगेंस्ट रोहित और शुभमन के। रोहित को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रोहित को मेरे को लगता है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए ना, ही नीड्स अ बिग नॉक अगेंस्ट पाकिस्तान रोहित शर्मा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो उनको पहले खेलना, देखिए जब आएंगे ना इनिंग शुरू होगी पहली या दूसरी जिस पे भी, पहले 3 ओवर साइकोलॉजिकल एडवांटेज शहीन के पास है, नसीम के पास है अगेंस्ट दोनों आपके इस्लामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों। आज मैंने किसी को जल्दी साकअप करा था, शायद ईशान किशन की तरफ ओपन की तरफ जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसा सोच रहा होगा, ये पैनिक बटन अगर ऐसा वो सोच रहा है, क्योंकि मिडिल में ईशान अच्छा खेले हैं, तो जरूरत क्या है उनको स्विच करने की? नहीं बिल्कुल, रोहित शर्मा की और शुभमन गिल की जहां तक बात है, उस दिन भी मैंने यही बोला था स्पोर्ट्स चैरी पे कि भाई स्पोर्ट्स चैरी प्रेजेंट पर पैरी मैच डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं और वहां से पैरी मैच पे भी रजिस्टर कर सकते हैं, ढेरों इनाम आपके लिए। लेकिन उस दिन भी मैंने ये बोला था शुरू के 3-4 ओवर नसीम के शाहीन के अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं उसके बाद ये सेट होके आराम से खेल सकते हैं, उस दिन भी मैंने ये बोला था। और कुदरती पहले 2-2 ओवर उनके निकाल लिए थे, चौके भी लग गए, एक कैच भी छूट गई थी रोहित की शुरू में, तो सर्वाइव कर गए थे, बट फिर बारिश हो गई, फिर बारिश के बाद आउट भी हो गए। अच्छा शुभमन गिल की बड़ी बात हो रही है कि शुभमन गिल काफी टाइम से नहीं खेल पा रहे, बट आई थिंक कोलंबो की पिच पे आप कैसे देखते हैं, अगर कल बारिश नहीं होती, आज जिस तरीके से ये मैच चल रहा है जो आपने विकेट देखी है वहां पे, शुभमन गिल से क्या एक्सपेक्टेशन है या किस तरीके से आपको लगता है नसीम और शाहीन को फेस कर पाएंगे? सुशांत भाई शुभमन गिल आपके वर्ल्ड क्लास बैटर है, बिकमिंग अ वर्ल्ड क्लास बैटर एक्चुअली, और बहुत कम टाइम में अच्छा नाम बनाया है शुभमन गिल ने। आपको मालूम है जब वो शुरू में अच्छा करे तो हमारे एक्स क्रिकेटर यू नो कि जब भी मैचेस होते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी है वैसे भी कमेंट करते हैं, तो उन्होंने बड़े हाईली रेट किया शुभमन गिल को, और वो हैं भी, अब बैट पे से गुजरने वो लग पाते हैं, और शुभमन गिल को भी पता है कि वो वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग के सामने खेलने वाले हैं, व्हाटएवर द कंडीशन सही बात है, सही बात है, की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े वो बड़े बल्लेबाज हैं, और शहीन और नसीम, आज मैंने ही उनसे सवाल पूछा कि शहीन और नसीम, लोग शहीन की बात कर रहे हैं बट नसीम ने आप, अच्छा मैं आज भी ये कहता हूँ शहीन बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने विकेट ली, लेकिन नसीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, शायद 100% की बॉलिंग कितने शहीन को मिल रही थी, मेरा ये ख्याल है, ठीक है ना। तो मैंने उनसे नसीम का पूछा कि आपको वो, उन्होंने बोला कि वो उसी लेवल के बॉलर है जिस लेवल के शहीन है, नो डाउट। ये शुभमन गिल ने बोला कि बहुत मुश्किल है वो उनको भी खेलना, तो शुभमन गिल को एक बार खेल चुके हैं, आपको याद है विराट कोहली भी पहले एक दो इनिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पाए, आपको याद होगा, सही बात। तो ये होता है पाकिस्तान के खिलाफ मैच, और शुरू में शहीन अच्छी बॉल नहीं कर पाए थे जब रोहित शर्मा ने 100 मारा था 2018 में, एग्जैक्टली, तो ऐसा होता है आपके जो अच्छे होते हैं जब प्रेशर गेम में आते हैं तो थोड़ा सा वो क्रैप्स करते हैं, और वहां पे हम कहते हैं उस दिन हमने बरसात के बावजूद बैटिंग लेने का फैसला कर लिया रोहित शर्मा ने, जो कि शायद थोड़ा अभी है ना, हाँ, पाले के लिए में
पहले खेले में बरसात के बावजूद बैटिंग करा ली और वहां फंस गए, लेकिन चलो कम से कम 266 तक पहुंच गए। यहां पे क्या लगता है पिच कंडीशन कैसी है और किसको फेवर करेगी, टॉस कौन जीतेगा, मतलब टॉस जो भी जीतेगा क्या बैटिंग ही करेगा? देखिए जो टॉस जीतेगा ना, मुझे लग, आप देखिए फॉरकास्ट वेदर में क्या होता है, टॉस जीत के आप पहले क्या करते हैं, आप बॉलिंग करते हैं, हाँ ठीक है, फिर आप बैटिंग तरफ जाते हैं ताकि आपके पास लिमिटेड ओवर्स हो और आप उसमें जाएं। लेकिन यहाँ प्रेडिक्शन ऐसी है कि 50 ओवर हो सकते हैं, हो सकते हैं। आज की कंडीशन क्या देख लेना, आज की भी जब तक मैंने लास्ट टाइम देखा मैच चल रहा था, तो अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ अंडर लाइट श्रीलंका में खेलना बहुत मुश्किल है। और ये अल्फाज किसके हैं, पाकिस्तान के सबसे लेजेंड बल्लेबाज जवेद में आते हैं, वो अभी आईपीएल से यहाँ से होके गए, और मुश्ताक अहमद वो बोल रहे हैं श्रीलंका के कंडीशन में अंडर लाइट खेलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब जिसके पास टॉस की ऑप्शन आएगी वो किस तरफ जाए। सेम पाले के लिए में जो रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है उनका फैसला ठीक था, रोहित शर्मा है साथ में राहुल द्रविड़ है, गलत फैसला क्यों करेंगे वो, और टॉस वो जीत चुके हैं, उनको पता है हमने क्या करना है। और एक सिचुएशन देखें, अगर मैच शुरू होता तो पाकिस्तान को 36 ओवर में 226 चेस करना पड़ता, हाँ 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 हाँ, वो इम्पॉसिबल टाइम था, मतलब मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, ऑलमोस्ट मतलब 70-80% इंडिया का मैच था, बहुत मुश्किल था, एग्जैक्टली बहुत मुश्किल था, 36 में आप 226 कैसे चेस करते हैं। Sports Yari presented by Parry Match. Click the Parry Match link in the description.